हाय गाइस, आज हम आ चुके हैं सेंट ऑगस्टीन चर्च जो कि ओल्ड गोवा में पड़ता है। और ओल्ड गोवा के चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की तरह इस चर्च को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और इस चर्च को द ब्रोकन चर्च या द रून चर्च ऑफ गोवा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यू विल एक्सपीरियंस समथिंग विच वॉज पार्ट ऑफ गोवाज हिस्ट्री। और ये जगह बहुत क्लीन है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और उसके साथ कुछ बेंचेस हैं, तो आप यहाँ बैठ करके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इस चर्च के टूटे हुए बट बेहद खूबसूरत हिस्से को निहार सकते हैं। और अब मैं आपको इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। तो ये चर्च 1602 में बनाया गया था, और जब पोर्चुगीज़ ने गोवा को कैप्चर किया था उस समय पे उन्होंने गोवा के बहुत सारे मंदिरों और चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी समय उन्होंने सेंट ऑगस्टीन चर्च को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और समय के साथ ये चर्च का जो थोड़ा बहुत हिस्सा बचा था वो भी धीरे धीरे गिरता गया, और अभी बस ये जो आप सामने देखेंगे आज वही हिस्सा है जो बचा हुआ है। बट गोवा की आर्कियोलॉजिकल टीम इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है एंड दे आर ट्राइंग कि जितना भी हिस्सा बचा है उसे वो प्रिजर्व कर सके, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन भी इस गोवा के हिस्टोरिकल पार्ट को देख सकें। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो क्रिश्चियनिटी धर्म से जुड़े हुए संत महात्माओं की ऐसी बहुत सारी समाधि या कब्रगाह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गोवा और गोवा की जगहों का बॉलीवुड कनेक्शन। तो यहाँ पे भी बॉलीवुड मूवी शूट की गई है। द वेरी फेमस गुमनाम मूवी का गुमनाम है कोई सॉन्ग यहीं शूट किया गया था। और उसके अलावा अभी रीसेंट में सिंगम मूवी का साथिया सॉन्ग भी यहाँ पे शूट किया गया है। तो अगर आपको देखना है कि बॉलीवुड ने इस जगह को कैसे अपनी मूवीज़ में कैप्चर किया है, तो मैं आपको उन दोनों सॉन्ग के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट कि आपको वो ढूंढना ना पड़े एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुली बॉलीवुड ने इस जगह को अपनी मूवीज़ में यूज़ किया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक समाधि बनी हुई है, और इसी तरह इस चर्च के अलग अलग हिस्सों में ऐसी बहुत सारी समाधियाँ आपको दिख जाएंगी। और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार पे कुछ पेंटिंग की गई है, ये पेंटिंग उसी समय की है जब इस चर्च को बनाया गया था। और ये पेंटिंग आपको इस चर्च में बहुत कम जगहों पे दिखाई देगी, क्योंकि जैसे जैसे ये चर्च टूटता जा रहा है उसी तरह ये पेंटिंग्स भी इन दीवारों से छूटती जा रही है। और इस चर्च का जो बेहद खूबसूरत और अनोखा हिस्सा है वो है इस चर्च की ये दीवार। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो मेक श्योर आप इसके साथ एक अपनी पिक्चर ज़रूर क्लिक करके ले जाएं, क्योंकि ये फ्रेम में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और जब आप इस चर्च से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी इस चर्च के बहुत सारे टूटे हुए हिस्से रखे गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं एंड यू कैन कनेक्ट विद द हिस्ट्री ऑफ दिस चर्च। आई होप यू एंजॉयड कमिंग टू दिस प्लेस विद मी। और मैं इस चैनल पे गोवा से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, और इस चैनल के थ्रू मैं यही चाहती हूँ कि मैं गोवा के सभी पॉपुलर जगह तो आपको दिखाऊँ ही, बट उसके साथ साथ गोवा की ऐसी बहुत सारी जगह है जो इतनी पॉपुलर नहीं है बट स्टिल दे आर सो ब्यूटिफुल। सो इन केस आप ऐसी ही वीडियोस देखने में और गोवा को और जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे, तब तक के लिए बाय।